हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। आज हम जानेंगे कि बोट एक्सटेंड स्मार्ट वॉच आपकी डिसकनेक्ट हो रही है बार बार, और या फ्रेंड्स आपकी कनेक्ट नहीं होती, कोई भी प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, कनेक्टिविटी में इश्यू हो रहा है, तो ये 100% आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जैसे मैं आपको बताऊंगा वैसा आपको अपना एरर फिक्स करना है, उसके बाद आपकी कभी भी डिसकनेक्ट नहीं होगी। तो दोस्तों, आपको चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। ये ऐसी वीडियो आपको बोट के या दूसरी वॉच पे मिलते रहती है। तो चलिए, अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको अपनी सेटिंग में चले जाना है। तो चलिए हम अपने फ़ोन की सेटिंग में चले जाते हैं, और यहाँ पे आपको ऐप्स पे क्लिक करना है। जहाँ सारे हमारे एप्लीकेशन होते हैं फ्रेंड्स, वहाँ आपको जाना है। देखिए, ऐप्स दिख रहा है, तो आपका कोई भी मोबाइल है फ्रेंड, जो बताऊँगा वो सेटिंग आपको अपने मोबाइल में करना है। तो मेरा रियलमी का है, अगर आपका ओप्पो वीवो कोई भी हो, सेम टू सेम सेटिंग उसमें करना है। तो यहाँ आपको सिस्टम ऐप में जाना है। तो फ्रेंड्स, आपको अपने सिस्टम ऐप में चले जाना है। उसके बाद आपको ब्लूटूथ का एक ऐप दिखेगा सिस्टम, उस पर क्लिक करना है। तो चलिए मैं चलता हूँ और आपको वहीं दिखा देता हूँ आपको कैसा करना है। तो यहाँ देखिए, हमारा ब्लूटूथ दिख रहा है फ्रेंड्स, और इसका स्टोरेज यूसेज हमें क्लियर डाटा करना है। स्टोरेज यूसेज में जाना है आपको, और क्लियर डाटा पे क्लिक करना है, और इसके बाद ओके दबा के फ्रेंड्स हमारा एक क्लियर हो जाएगा। तो गाइज, ये ब्लूटूथ के अंदर एरर आने की वजह से भी हमारी वॉच बार बार डिसकनेक्ट होती है। जिसकी कनेक्ट नहीं हो रही, उसकी कनेक्ट भी नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, ये एरर हमारा फिक्स हो जाएगा ब्लूटूथ के ऐप में अगर एरर है। और फ्रेंड्स, आगे की सेटिंग जो बताऊंगा वो भी आपको करना है, उसके वजह से भी हमारा कनेक्ट नहीं होती है। तो सिर्फ ब्लूटूथ ही नहीं है फ्रेंड्स, और भी सेटिंग है जिसकी वजह से हमारा कनेक्टिविटी में इश्यू होता है। तो आपको ई के लिस्ट में जाना है। यहाँ इंजीनियर नेटवर्क है फ्रेंड्स, ये हमारे को ब्लूटूथ और वॉच को कनेक्ट करता है। इसको भी आपको क्लियर ऐप डाटा कर लेना है। तो सारे ऐप हेल्प करते हैं आपकी वॉच को कनेक्ट रहने में आपके फ़ोन के साथ। जो बताऊंगा आपको उसको आपको जिसमें भी एरर होगा फ्रेंड्स सही हो जाएगा, उसके बाद आपकी वॉच डिसकनेक्ट नहीं होगी। अब आपको फ्रेंड्स एन की लिस्ट में जाके नेटवर्क हेल्थ सर्विस को भी करना है। तो अगर आप कोई दूसरा मोबाइल यूज़ कर रहे हो फ्रेंड्स, उसके अंदर नेम अलग हो सकते पर नेटवर्क ज़रूर लिखा होगा, तो नेटवर्क जितना भी होगा आपको क्लियर डाटा कर देना है। और उसके बाद आपको क्विक डिवाइस कनेक्ट करके एक ऑप्शन मिलेगा फ्रेंड्स, एंड्रॉयड 12 में होता है। अगर आप एंड्रॉयड 11 यूज़ कर रहे तो वहाँ आपको देखने के लिए नहीं मिलता। अगर आपके इसमें है तो इसका भी क्लियर ऐप डाटा कर लेना। और उसके बाद आपको बैक चले जाना है फ्रेंड्स। क्विक डिवाइस कनेक्ट हमारा फ्रेंड्स जो डिवाइस होता है उसको जल्द से जल्द वॉच के साथ या कोई भी आपका ब्लूटूथ फ्रेंड्स है ईयरफोन ईयरबड्स कनेक्ट करने में बहुत मदद करता है। तो अब फ्रेंड्स हमें करना है वायरलेस सेटिंग को। यहाँ देखिए वायरलेस सेटिंग है, तो आपको इस पर भी क्लिक करना है। स्टोरेज यूसेज में जाना है, इसका भी क्लियर ऐप डाटा कर लेना। जो भी सेटिंग बताया हो आपको, नाम अलग हो सकता है फ्रेंड्स, पर फर्स्ट एक आपको नाम दिख जाएगा नेटवर्क या वायरलेस, उसको आपको देखना है। आपका कोई भी दूसरा मोबाइल है उसके अंदर आपको मिल जाएगा। अब आपको फ्रेंड्स बोट वेव ऐप होगा, उसके अंदर जाना है अपने बोट वेव ऐप पे, और यहाँ इसका भी क्लियर ऐप डाटा करना है, और आपको बैक आना है। तो फ्रेंड्स, अब आपको कुछ परमिशन देना है। यहाँ देखिए, बहुत लोगों की ये सेटिंग बंद होती है, तो सबको आपको इनेबल ज़रूर कर लेना है। इससे क्या होता है फ्रेंड्स, अगर आपकी सेटिंग बंद है अलाउ बैकग्राउंड एक्टिविटी, अलाउ ऑटो लंच, तो बार बार आपका डिसकनेक्ट होता है। क्योंकि फ्रेंड्स, जब भी आपका फ़ोन स्लीप मोड में जाता है तो ऑटोमेटिक आपका ऐप जो रन रहता है वो किल हो जाता है, मतलब फ्रेंड्स वो बंद हो जाता है और आपकी वॉच से डिसकनेक्ट हो जाता है। तो आपको ऑटो लंच और बैकग्राउंड एक्टिविटी को ऑन रखना है हरदम। देख लेना आपके इसमें सेटिंग किधर है, उसको इनेबल ज़रूर कर देना। और परमिशन में आपको नेवी डिवाइस स्टोरेज लोकेशन ये ज़रूर आपको ऑन रखना है, बाकी सब परमिशन दे देना, तो आपकी वॉच डिसकनेक्ट नहीं होगी। याद से आपको क्या करना है मैं बता देता हूँ, आपको बैकग्राउंड एक्टिविटी और फ्रेंड्स ऑटो लंच ज़रूर चालू करना है, नहीं तो आपका बार बार डिसकनेक्ट होगा, चालू नहीं रहता है। तो क्योंकि आपका फ़ोन फ्रेंड्स जैसे आप स्लीप मोड में जाता है वैसे ही डिसकनेक्ट हो जाती है इस वजह से भी। तो अब क्या करना है फ्रेंड, रीसेट नेटवर्क सेटिंग करना है। सर्च बार में सर्च करोगे रीसेट नेटवर्क सेटिंग तो मिल जाएगा। यहाँ हमारा ब्लूटूथ की भी जो सेटिंग है वो रीसेट हो जाएगी, अंदर कोई भी एरर होगा वो फिक्स हो जाएगा। तो अपने सेटिंग के होम पेज पे आके रीसेट नेटवर्क सेटिंग करना है, उस पर क्लिक करके हमारा रीसेट कर लेना। ठीक है, हमारा नेटवर्क रीसेट कम्प्लीटेड लिख के आ गया है। तो फ्रेंड्स, जो भी आपका एरर होगा पूरा का पूरा रिमूव हो जाएगा, और आपके फ़ोन में से सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो जैसे मैंने आपको बताया फ्रेंड्स, आपकी वॉच को भी रीसेट ज़रूर कर लेना।
आपकी वॉच में अगर प्रॉब्लम है तो वो भी सॉल्व हो जाएगी। देखिए आप कनेक्शन एंड शेयरिंग के अंदर एक क्विक डिवाइस कनेक्ट का ऑप्शन होता है, ये भी आपको इनेबल ज़रूर कर लेना। अगर आपके पास ये ऑप्शन मिला हुआ है, एंड्रॉयड 12 यूज़ कर रहे हो, उसके अंदर ऑप्शन है तो उसको ज़रूर इनेबल कर लेना क्विक डिवाइस कनेक्ट का। नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अपने ब्लूटूथ से भी कनेक्ट कर सकते हो। तो गाइस इतना करने है, आपको अपनी वॉच को भी पूरा रीसेट करना है और जैसा बताया वो करना है। फ़ोन को एक बार स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करना है, उसके बाद आपको फ्रेंड्स क्या करना है, दोनों को कनेक्ट करना है, आराम से आपका कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ देखिए क्विक डिवाइस जो कनेक्ट का ऑप्शन है फ्रेंड्स, इससे आपकी वॉच जल्द से जल्द कनेक्ट हो जाएगी। अगर आपका फ़ोन अपडेट नहीं है तो फ़ोन को अपडेट कर लेना एंड्रॉयड 12 में, तो फ्रेंड्स आपको ये ऑप्शन मिल जाता है। अगर अपडेट मांग रहा है, 12 वर्जन आया है, तो आप ज़रूर अपडेट कर लीजिए एंड्रॉयड 12 का। तो दोस्तों इतना करना है, और आपको बोट वेब ऐप का जो ऐप है उसको भी देखना है वो अपडेट है कि नहीं। अगर नहीं होता है, इस वजह से भी प्रॉब्लम आता है, अपनी वॉच को भी अपडेट मांग रही तो अपडेट कर लेना है, तो सब चेक कर लेना। उसके बाद आपको कनेक्ट करना है, 100% आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों ये वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, ऐसी वीडियो आपको मिलते रहे।